प्रतापगढ़ आपके उत्तर प्रदेश से आती है, उनके लिए मैं पढ़ता हूँ कि नर नारी को न समझा बात अच्छी लगे। आदरणीय आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप जैसे सुधि श्रोता उपस्थित होते हैं, हम अच्छी बात करने के लिए बाध्य होते हैं। आदरणीय आप बैठे हुए हैं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बात अच्छी लगे तो उनकी आगवानी में पढ़ा एक देहाती की पंक्तियाँ एक नारी के बारे में के नर आदरणीय कि नर नारी को न समझा तो मच जाएगा अंधकार, बाजार में नहीं मिलते ममता इसने प्यार। कमजोर है आपकी तालियां साहब इस पंक्ति के लिए है तो हुजूम मच जाता है कि नर नारी को न समझा तो मच जाएगा अंधकार, बाजार में नहीं मिलते ममता इसने प्यार। प्रकृति का उपहार है ये, घर की रौनक भी। नारी को दीजिए आप मान सम्मान अधिकार, नारी को दीजिए आप मान सम्मान अधिकार, नारी को दीजिए आप मान सम्मान अधिकार। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में प्रीति पांडे आपकी तालियों के बीच में। माँ वागदेवी वसुधा को नमन करती हूँ, बहुत बहुत आभार प्रेम भैया का, पूरी उपजा टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ जो इतना शानदार आयोजन कर रहे हैं। दूसरी बार चकिया में आई हूँ और इसका पूरा श्रेय भैया को जाता है जिन्होंने छोटी बहन समझकर मुझ पर इतना स्नेह दिया, इतना प्यार और आशीर्वाद दिया। मंच पे बैठे सभी वरेण्य कवियों को दीदी को प्रणाम करते हुए चार चार पंक्तियों से आप सभी के बीच जुड़ने का प्रयास करती हूँ। बहुत छोटी भूमिका, एक नायिका जिसका पति सरहद पर है, वो अपनी पत्नी से पूछता है कि जब मेरी याद आती है तो तुम मुझे किस तरह याद करती हो। वो नायिका वो पत्नी क्या जवाब देती है, अगर उसका जवाब आप सभी के हृदय तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा और तालियों का महोत्सव दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ कि नायक अपनी पत्नी से पूछता है कि मुझे कैसे याद करती हो। नायिका का उत्तर, दीदी मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ, मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ। याद जब भी तुम्हारी आती है, याद आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। किले के करवट उतर नहीं सकता, खोल कर पट उतर नहीं सकता, लोग कुछ भी कहे सुने लेकिन, लोग कुछ भी कहे सुने साथ अपने हो या कि दूजे हो, साथ अपने हो या कि दूजे हो, कुछ कठिन रास्ते भी सूझे हो, कुछ कठिन रास्ते भी सूझे हो, कांटे वनवास के चुभे
डालती हूँ और प्रेम का स्वरूप आप सभी के समक्ष निवेदित करती हूँ कि हर कोई प्रेम के लायक नहीं होता और जो प्रेम के लायक होता है वो कैसा होता है निवेदित करती हूँ कि हर नयन आँच मन नहीं होता, मन से कोई जतन नहीं होता, हर नयन आँच मन नहीं होता, मन से कोई जतन नहीं होती है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि अब लड़ाई को छोड़ बैठे हैं, हर बड़ाई को छोड़ बैठे हैं, यू रुमालों पे काढ़ते हैं तुम्हें, यू रुमालों पे काढ़ते हैं तुम्हें, हम पढ़ाई को छोड़ बैठे हैं, हम पढ़ाई को छोड़ बैठे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत शानदार सुन रहे हैं और माना जाता है कि श्रृंगार को बड़ा डूब के सुना जाता है, आप लोग उसी तरह डूब कर सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियां मैं और रखती हूँ दीदी, सुनिएगा। एक नायिका जो अपने नायक से पायल चाह रही थी लेकिन उसने पायल की बात ही नहीं की। अब देखिए वो आकर अपनी सहेली से क्या बताती है। उसकी सहेली पूछती है कि तुम मिलकर आई और तुम्हारी नायक से क्या बात हुई। सहेली से वो अपनी बात बताती है, सुनिएगा। कि घिरते बादल की बात की ही नहीं, आंख का जल की बात की करती हूँ कि वेदना बावली नहीं देखी, वेदना बावली नहीं देखी, भावना अध जली नहीं देखी, यूं ही कहते नहीं।
और कभी कभी उस उपहार का प्रयोग भी बताया जाता है। मैं एक प्रयोग बता रही हूँ, सुनिएगा आप सभी। आप स्वागत स्वागत कि मन गुलाबों सखिल बना कि भाव पढ़ लो कि जिस तरह भेजे दो तरीका तो उस तरह भेजे जग परिंदों को कैद रखता है जग परिंदों को कैद रखता है पत्र भेजे अरे क्या बात है।